हेलो एवरीवन, यू वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजिनर्स। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे रेविट आर्किटेक्चर की। रेविट आर्किटेक्चर हमारे पास 3D का सॉफ्टवेयर है, तो ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है ये भी। ओके, तो जैसे ऑटो कैड हमारे पास 2D का प्रोडक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑटो कैड में 3D की भी है, बट जो हम ड्रॉइंग्स वगैरह करते हैं जो स्पेशलिटी है उसकी वो 2D है। तो हम आज बात करेंगे रेविट आर्किटेक्चर की। अगर आप रेविट आर्किटेक्चर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको सभी सॉफ्टवेयर की वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे आप आज हम जी हमारी जो फर्स्ट वीडियो है रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर, तो इसमें जैसे हम स्टार्ट करेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, वॉल्स कैसे क्रिएट करोगे, उनको मटेरियल कैसे देना है। ओके, एलिवेशंस कैसे क्रिएट करने हैं, ग्रिड कैसे क्रिएट करने हैं, फ्लोर कैसे लगाना है, रूफ़ कैसे लगानी है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक टॉपिक हम आज इसमें कवर करेंगे। तो ये वाली वीडियो है। ओके, इसमें हम सारा बेसिक कवर करेंगे कि रेविट स्टार्ट कैसे करते हैं, हम रेविट में जो न्यू प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कैसे करते हैं। तो गाइस, यहाँ से हम न्यू फाइल, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, कोई भी हम 3D बना रहे हैं, किसी घर की 3D बना रहे हैं या किसी भी क्लाइंट से हम डील कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप रहता है वो हम क्लाइंट की इनपुट लेते हैं कि उनको क्या रिक्वायर है। ग्राउंड फ्लोर है, मतलब फ्लोर पे 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है कि कितने फ्लोर बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जो भी इनपुट रहती है क्लाइंट की तरफ से वो हम पहले सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आप चेक करते हो यहाँ पर हमारे पास ये मेन स्क्रीन है, ये हमारे पास रिबन बार है, जो हमारे पास मेन जो हमारे पास रहते हैं आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, सिस्टम्स इंसर्ट। तो ये हमारे पास कुछ पैलेट्स, जो रिबन बार भी बोल देते हैं इसको, आर्किटेक्चर टैब, इसमें बिल्ड पैनल, सर्कुलेशन पैनल में, बिल्ड पैनल में जो भी हम चीज़ें क्रिएट करेंगे, वॉल, डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट एट्सेट्रा, जो भी रूफ वगैरह रहेगा। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टी पैलेट्स होती है। प्रॉपर्टी पैलेट्स में कोई भी चीज़ आप क्रिएट करोगे, सपोज करो आप वॉल क्रिएट कर रहे हो, तो वॉल की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी प्रॉपर्टी पैलेट्स में रहेगी। प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारा सारा डाटा कलेक्ट होता रहता है। सपोज करो आप यहाँ पर जैसे लेवल 1, लेवल 2 मीन्स फ्लोर प्लान, जो आपके पास फ्लोर प्लान रहते हैं, आफ्टर दैट यहाँ पे आप चेक करते हो, तो जो हमारे पास रेंडरिंग हो गया, एलिवेशंस हो गया, जितने भी टाइप की जो भी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाती हैं। शीट्स बनाते हो, कुछ भी है, जितना भी आप काम करोगे वो सारा डाटा यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारे पास ऐड होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 है। तो अगर मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर नेम किया, यहाँ पे मेरे पास फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान में मैं फ्लोर पे वर्क करूँगा। सीलिंग प्लान है मेरे पास, तो हम सीलिंग में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे एलिवेशंस है, एलिवेशंस अगर हाइट वगैरह मैनेज करनी हो तो प्रोजेक्ट की हाइट वगैरह मैनेज कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, प्लान अगर हम जो भी आपका अगर प्लान फाइनल हो जाता है कितने फ्लोर जाने हैं, तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारे पास सबसे पहले मैनेज करना यूनिट्स को हम जैसे मैनेज टाइप में जाते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट यूनिट्स मैनेज टैब सेटिंग पैनल में हमारे पास प्रोजेक्ट यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ से हम यूनिट सेट कर लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ से हम यूनिट सेट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपके पास फीट और फ्रैक्शनल इंचेज में हो, तो जो भी आप यूनिट्स चाहते हैं वो आप स्केल यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मुझे फर्स्ट जो मेरा स्टेप, मैं यहाँ पे MM में रख रहा हूँ, मिलीमीटर्स में। ओके, तो आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो मेरे पास स्टेप है, क्रिएट एलिवेशंस, गो टू आर्किटेक्चर टैब एंड एलिवेशन। तो अभी आप चेक करोगे आर्किटेक्चर टैब में डेटम पैनल के अंदर एलिवेशन मेरा भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं, क्योंकि मैं फ्लोर प्लान में हूँ। अगर आपने एलिवेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एलिवेशन टैब में, एलिवेशन में जाएंगे और किसी भी एलिवेशन पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से भी आप डेटम पैनल में चेक करोगे, आर्किटेक्चर टैब में डेटम पैनल में यहाँ पे आपके पास ग्रिड एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो इसको ग्राउंड फ्लोर। तो इसको सेव कर दो। यस, तो यहाँ पे गाइस आप चेक करोगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आपके पास जो फर्स्ट आपने रीनेम किया ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर हो गया। सेकेंड आपके पास फर्स्ट फ्लोर, तो आप इसको रीनेम करोगे तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर हो गया। ओके, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हाइट है, मैं इसको 3 मीटर कर लेता हूँ, 3000 mm
तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो एमएम में है। ओके, जो नेक्स्ट एलिवेशन मैंने क्रिएट करना है, अगर नया एलिवेशन आपने क्रिएट करना है तो आप आर्किटेक्चर टाइप में जाएंगे और यहाँ से लेवल लेवल पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप हाइट वगैरह एंटर कर सकते हैं 3000 mm। ओके, यहाँ से डायरेक्ट आपके पास ये बन जाएगा। ओके, मुझे एक फाउंडेशन के लिए लेना है, तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन की जो वैल्यू है वो फिल कर दूंगा, जो हाइट शो भी रहेगी मेरी। तो यहाँ पे गाइज आप चेक करोगे, अभी आपके पास लेवल 3 का नेम आ रहा था, मैं इसको रूफ रीनेम एज रूफ। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है लेवल 4 जो है हमारे पास फाउंडेशन, तो इसको रीनेम कर दूंगा फाउंडेशन। तो ये हमारे पास रीनेम हो गया है फाउंडेशन के नेम से। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, अभी प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जो मेरे पास डाटा है उसको आप चेक करते हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एंड रूफ फाउंडेशन जो सारा रीनेम हो गया है। ओके, तो अगर आपके पास एलिवेशन क्रिएट हो गए हैं, जितने आपने फ्लोर बनाए हैं उस हिसाब से आप एलिवेशन बना सकते हो। हम एलिवेशन बना के हमारे पास ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, हाइट वगैरह मैनेज करना। ओके, आफ्टर दैट आप ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में काम करना चाहते हैं तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर में काम करना है, ग्राउंड फ्लोर रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ से, अभी मेरे पास प्लान नहीं है तो मैं यहाँ से कुछ ग्रिड्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने ग्रिड क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर टाइप जाना है, डेटम पैनल ग्रिड, तो आपने यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करने हैं, जो भी आपको स्पेसिंग चाहिए एज पर योर अकॉर्डिंग योर प्लान है ना। तो जो भी आपका प्लान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्रिड बना सकते हो। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अगर आप यहाँ से रीनेम करना चेंज करना चाहते हो डिस्टेंस को, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं दोबारा से ग्रिड। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे 4500। तो ये ग्रिड मेरे पास कुछ इस टाइप से आ गया, 5000 and 2500। तो हम कुछ इस तरह से ये ग्रिड बना सकते हैं। ग्रिड जो है ये हमारा एज ए प्लान वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ग्रिड रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई प्लान बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वॉल पे जाऊँगा, जो हमारे पास वॉल, हाउ टू क्रिएट वॉल, वॉल पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास प्रॉपर्टी पैलेट में उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक वॉल, जेनरिक वॉल 200 mm है, तो आपके पास और भी बहुत सारी वॉल्स हैं। इसमें जो बेसिक वॉल्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारे पास कर्टेन वॉल है एंड स्टैगर्ड वॉल। स्टैगर्ड वॉल हमारी फाउंडेशन के लिए यूज़ होती है, कर्टेन सिस्टम जो भी रहता है आपका, कहीं भी आपने कर्टेन वॉल लगानी है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारे पास जो जेनरिक वॉल 200 mm है, कभी भी आपने वॉल लेनी है, आपने जेनरिक वॉल 200 mm को डुप्लीकेट करना है, तो आप यहाँ से एडिट करोगे डुप्लीकेट। रेविट में ऐसा होता है कि रेविट में आपके पास इसकी गैलरी भी है अपनी, तो आपने जो भी चीज़ें यूज़ करनी है सभी को डुप्लीकेट कर लेना है, कि ओरिजिनल में चेंज ना हो। ओरिजिनल कहीं और आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, कहीं भी और किसी जगह यूज़ करना है वॉल को, तो आपने हमेशा ट्राई करना है कि आप डुप्लीकेट करके इनको यूज़ करो। तो आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से एडिट किया आपने, डुप्लीकेट कर लिया, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप डुप्लीकेट करो। आप वॉल को कुछ भी नेम दे सकते हो, 1 2 3, ओके, जो आपको याद रहे, या एक्सटीरियर वॉल कर दो। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, थिकनेस 230 mm, 9 inches जो रहती है। ओके, 230 mm मैंने इसकी थिकनेस डाल दी, एंड यहाँ पे मैं मटेरियल एंटर कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप मटेरियल क्रिएट न्यू गैलरी ओपन, तो यहाँ से आप कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पेंट चाहिए तो आप पेंट एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ये कोई मटेरियल है, सॉरी, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ओके ओके। तो गाइज अभी हमारे पास इस कलर की सिंगल कलर, अभी मैं डिफरेंट टाइप्स के कलर नहीं कर रहा, किसी वॉल में अगर आपको अलग अलग कलर लेना है, इनसाइड अलग कलर करना है, आउटसाइड आउटर साइड में अलग कलर करना है, सेंटर में अगर आपको ब्रिक वर्क शो करना है, तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऐड कर सकते हो, इसमें इंसर्ट कर सकते हो। बट मैं अभी सिंपल सा है आपको एक मटेरियल चेंज करके बता रहा हूँ, कि नॉर्मल मटेरियल किया हमने। और अभी आप चेक करोगे प्रॉपर्टी पैलेट्स में आपकी जो वॉल है, बेसिक वॉल 1 2 3 आ चुकी है, ऐड हो गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेस कंस्टेंट ग्राउंड फ्लोर, मींस ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगी वो, एंड टॉप कंस्टेंट हमारा अनकनेक्टेड जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके कंस्टेंट सेट कर लूँगा फर्स्ट फ्लोर, मतलब 3 meter की वॉल मेरी जो होगी। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से वॉल को अप्लाई कर रहा हूँ,
तो ये मेरा जो प्लान है कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने ये किचन बना लिया। तो गाइज ये मेरे पास कुछ इस तरह से मॉडल बन गया। आप यहाँ से 3D व्यू क्लिक करते हो या व्यू टैब में जा सकते हो, या व्यू टैब में जाके यहाँ से भी 3D व्यू क्लिक कर सकते हो, या यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ये शेडेड आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू कर सकते हो। तो आप चेक करते हो ये मेरे पास मटेरियल अप्लाई हो गया है। ओके, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट, किसी भी वॉल को सेलेक्ट करो, अगर सिंगल वॉल को सेलेक्ट करोगे तो सिंगल का मटेरियल चेंज होगा। अगर आप सब वॉल की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो तो आप आर्किटेक्चर टैब में जाके वॉल पे क्लिक करते हो, तो इसी वॉल को आप एडिट कर सकते हो दोबारा से, और डुप्लीकेट कर, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, ये ऑलरेडी डुप्लीकेट है। तो आप यहाँ से दोबारा मटेरियल चेंज कर सकते हो, क्रिएट न्यू गैलरी ओपन, और यहाँ से आप कोई और मटेरियल अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से वाइट मटेरियल करना है तो आप वाइट मटेरियल कर सकते हो। तो आप चेक करोगे आपका मटेरियल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ओके गाइज, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड। ओके, तो मेरे पास जो मैंने पहले मटेरियल अप्लाई किया था वही वाला मटेरियल है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से मॉडल बन गया। ओके गाइज, यहाँ से आप, अब ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं हम, तो यहाँ से आप फ्लोर लगा सकते हो इसमें, अगर आप फ्लोर लगाना चाहते हो तो फ्लोर लगा सकते हो। तो फ्लोर के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर टैब में आर्किटेक्चर फ्लोर, आर्किटेक्चर फ्लोर में आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप स्केच क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है, जितना जितना आपको फ्लोर क्रिएट करना है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ट्राई करोगे सेंट्रल लाइन मेथड से, चलो। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से, इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ओके, तो ये हमारे पास रेडी हो गया। तो गाइज ऐसे हम फ्लोर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको मटेरियल दे सकते हो, एडिट, डुप्लीकेट कर सकते हो आप फ्लोर को, एडिट, इसकी जो थिकनेस रहेगी वो 120, एंड मटेरियल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हो। क्रिएट करोगे आप यहाँ से तो आप कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि स्टोन है, ग्रेनाइट। ओके, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये हमारे पास मटेरियल कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ओके, तो गाइस ये हमारे पास वॉल्स हो गई हैं एंड फ्लोर लग गया है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में जाकर डोर्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डोर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे कुछ डोर्स होते हैं आपके पास। इस रेविट आर्किटेक्चर में हम डोर की फैमिली बना भी सकते हैं और यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। एडिट करोगे, लोड करोगे तो ये इसकी गैलरी में रहेगा, ये इसकी गैलरी है। तो यहाँ से हम डोर पिक कर रहे हैं, तो आपको कोई भी डोर चाहिए आप उठा सकते हो। तो रेजिडेंशियल में चेक करेंगे हम, तो ये हमारे पास कुछ डोर्स हैं। चेक कर सकते हो आप सारे, जैसे ये मेरे पास कोई डबल पैनल डोर है, फुल ग्लास ओपन। ओके ओके, तो ये मेरे पास लोड हो गया है डोर, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। एक मैंने इस साइड यूज़ कर लिया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, यहाँ से आप सिंगल पैनल भी यूज़ कर सकते हो, तो दोबारा से आप एडिट कर सकते हो, लोड कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको कोई और डोर चाहिए दोबारा फिर से आप यूएस मीट्रिक में डोर चेक कर सकते हो। तो रेजिडेंशियल में आपके पास जो डोर हैं तो ये आप कोई भी डोर एक पिक कर सकते हो, ओपन। ओके, तो ये लोड हो जाता है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये वाला जो डोर तो आपने लोड किया है, इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिपेंड करता है कि फैमिलीज़ कितनी कितनी फैमिलीज उसमें बनी हैं। ओके, तो ये आप चेक करोगे, ये आपके पास डोर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ओके, तो गाइस ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। ओके, इफ़ यू वॉन्ट अप्लाई द विंडोज़, ओके देन गो टू ग्राउंड फ्लोर एंड सेलेक्ट विंडो, एडिट एंड लोड। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास विंडो है,
तो विंडो में आप कोई भी विंडो आप पिक कर सकते हो। मैंने ये वाली विंडो पिक कर ली। ओके, तो यहाँ से आप विंडोज़ जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है विंडो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप चेक करोगे कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हो विंडोज़ का तो आप एडिट कर सकते हो। अगर डुप्लीकेट करते हो तो सिंगल विंडो का साइज़ चेंज होगा। अगर डायरेक्ट एडिट करते हो जैसे हाइट इसकी मैंने 1500 कर दी और यहाँ पे मैंने विड्थ इसकी 1200 कर दिए। अप्लाई। ओके, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गए हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया डोर विंडोज़ वगैरह। ओके, अगर आप इस पे रूफ़ लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप रूफ़ अप्लाई करना चाहते हो या आप सेम इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो इसको, क्लिपबोर्ड कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, विच लेवल, फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप से बन गया। अगर यहाँ से मैं दोबारा से फ्लोर को एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट बाउंड्री, ओके गो टू ग्राउंड फ्लोर, तो मैं इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे फ्लोर को बाहर कर लिया। तो ये मेरा कुछ इस टाइप से आ गया है पोर्शन। सो गाइस, तो आप चेक कर सकते हो इस टाइप से कुछ ही बन जाएगा। ओके, ओके, अगर हम यहीं पे रूफ लगा दें तो यहाँ पे हमारे पास रूफ़ कैसे अप्लाई करेंगे, गो टू फर्स्ट फ्लोर। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूफ़ अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप रूफ़ यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर टाइप में जाओगे, बिल्ड पैनल में, बिल्ड पैनल में हमारे पास रूफ़ है। फुटप्रिंट के, तो आप यहाँ से कुछ इस टाइप से आप रूफ लगा सकते हो। यहाँ से आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो, जैसे आप स्केच बनाओगे वैसे ही बन जाएगा। फिनिश करेंगे हम यहाँ से, तो गाइस आप चेक कर सकते हो यहाँ से कुछ इस टाइप से आपकी रूफ बन जाएगी। आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट। ओके, अगर आप मटेरियल चेंज करना चाहते हो तो आप क्रिएट न्यू करके मटेरियल यहाँ से कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। ओके, स्पेनिश स्टाइल रेड मैंने ये अप्लाई कर दी, डन। ओके, तो गाइस आप चेक कर सकते हो, तो ये आपकी रूफ क्रिएट होगी कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर में हम ऐसे नॉर्मल बेसिक मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अगर गाइस मैं इसका फर्स्ट फ्लोर बना देता हूँ, सीलिंग वगैरह अप्लाई कर देता हूँ, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट उसमें कि मैं फाउंडेशन वगैरह कवर कर दूँ, फाउंडेशंस एंड कंपोनेंट्स, प्लेस कंपोनेंट्स एट्सेट्रा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर, ऑल्सो शेयर। ओके, थैंक यू गाइज़।